आज हम स्प्रिंग समर 2011 के हॉट कलर्स, सिलुएट्स और पूरे कलेक्शन के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लुक से, जो है ट्यूनिक्स और रिजॉर्ट वेयर। ट्यूनिक्स में अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन कलर बहुत इन है इस सीज़न। इनफैक्ट सिट्रस ह्यूज, ब्राइट कलर्स और गो ग्रीन का रेवोल्यूशन आ चुका है। सो ऑल ऑफ अस, हम सबको उस बारे में सोचना चाहिए। गो ग्रीन इज़ द मंत्रा ऑफ द डे। ये फर्स्ट ट्यूनिक जो है वो हैंकी स्टाइल लुक है, जो एसिमेट्रिक कट में है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि द सिल्क फैब्रिक, हापुतार सिल्क फैब्रिक बहुत ही इको फ्रेंडली और बॉडी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। उससे इंसान एकदम कूल और रिलैक्स फील करता है। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर थ्रू आउट द सीज़न, इनफैक्ट थ्रू आउट द ईयर। अब हम बात करते हैं एम्बेलिशमेंट के बारे में। ये जो ट्यूनिक है ये डिस्चार्ज प्रिंट बेस्ड है और हमने इसमें सीक्वेंस का फ्लोरल बॉर्डर दिया हुआ है टू हाईलाइट द नेकलाइन। द नेकलाइन इज ऑल्सो बहुत एलिगेंट है और इसमें डायमंड शेप की होल है, जो और ट्रेंडी लुक और बहुत फैशनेबल भी लग रहा है। द नेक्स्ट ट्यूनिक इन द कलेक्शन इज अ शिबोरी टाई एंड डाई डेवलप्ड ट्यूनिक विद बेबी डॉल लुक। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर शिबोरी टाई एंड डाई ट्यूनिक इन पर्पल ह्यूज एंड पिंक्स। ये ट्यूनिक है बेबी डॉल लुक में और इसका स्पेशलाइजेशन ये है कि ये शिबोरी टाई एंड डाई टेक्निक से डेवलप किया गया है। तो ये ट्यूनिक को हम लोग आराम से कैरी कर सकते हैं, इवनिंग में पहन सकते हैं, या फिर अगर वर्किंग वुमेन हो तो मीटिंग के लिए भी आराम से ये फैब्रिक चल सकता है। और ये बहुत ही इको फ्रेंडली और बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है और समर्स में खासकर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस समर्स खासकर ब्राइट कलर्स का बहुत ज़्यादा जोर है। अब आप बात करेंगे शिबोरी के एक और कलर के ट्यूनिक में, जो कि सिट्रस से आगे जाके ब्लू कलर्स में है। और ये शिबोरी टाई एंड डाई टेक्निक है, जो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम लोगों ने फ्लोरल टाई एंड डाई टेक्निक यूज़ किया है मशीन शिबोरी में। इसकी नेकलाइन जो है हमने एंकर थ्रेड डिटेलिंग से डेवलप करी है और इसके सिंपल फोम बटन्स हैं, जो बहुत सिंपल और एलिगेंट हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू येट अनदर कलर विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इन एंड फैशनेबल दिस स्प्रिंग समर 2011। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइम ग्रीन, विच इज़ वेरी फैशनेबल टू वेयर पर्टिकुलरली इन स्प्रिंग समर 2011। अब ये सिलुएट जो है बहुत ही सिंपल अनारकली सूट है, उसमें कुर्ता, चूड़ीदार और क्रिंकल दुपट्टा है। और खासियत ये है कि ये पर्टिकुलर सूट जॉर्जेट में बना हुआ है, जो इस समर बहुत ही कंफर्टेबल वे में पहना जा सकता है। सेल्फ प्रिंटेड सूट है, जिसका योक हमने बहुत ही छोटे कटोरी से एम्बेलिश किया हुआ है। और ये क्रिंकल क्रश्ड दुपट्टा है और इसके ट्रिम्स हमने गोल्डन ट्रिम्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत एलिगेंट हैं और लेडी लाइक हैं। खास करके इस स्प्रिंग समर 2011 में मिड 70s का लुक बहुत ही इन माना जाएगा और ये सूट खास करके मिड 70s से इंस्पायर्ड है। जैसे जैसे गर्मी और बढ़ती जाएगी, खास करके अप्रैल मई जून के महीनों में, उन दिनों के लिए लाइट वाइट्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ये सिल्क चंदेरी और लेस लेगिंग का ट्यूनिक और टाइट सेट, जो कि पैचवर्क, एप्लीक और सीक्वेंस वर्क से एम्बेलिश्ड है। ये कलेक्शन खास करके लोटस कलेक्शन से इंस्पायर्ड है और इनके जो स्टेंसिल प्रिंटेड ट्यूनिक्स के नीचे जो ये स्टेंसिल्स हैं, ये भी लोटस प्रिंट्स में हैं और ये बहुत ही सुंदर, सिंपल और डिवाइन लुक माना जाएगा। अब इस ड्रेस को देख के पता लग रहा है कि ये ओकेशन वेयर और पार्टी ओकेशंस के लिए है, खास करके गर्मियों के लिए, जब शादियां होती हैं, कॉकटेल फंक्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइड्स को एकदम ब्राइट कलर पहनना चाहिए। गर्मियों में खास करके न्यूट्रल कलर्स बहुत ही सिंपल, सूदिंग और कूल लगेंगे। ये है तो बहुत हैवी, मगर इसका लुक बहुत ही एलिगेंट और सटल आ रहा है, जो खास करके लिए गर्मियों के लिए ही बना हुआ है। ये थ्री पीस जैकेट, क्रिंकल स्कर्ट और दुपट्टा सेट है और इसकी प्रिंटिंग हमने स्टेंसिल प्रिंटिंग करी है लोटस मोटिव्स में
और क्रिंकल ओम्ब्रे डाइड स्कर्ट दिया हुआ है, और स्कर्ट के साथ हमने ये क्रिंकल ओम्ब्रे दुपट्टा भी दिया हुआ है। नेकलाइन पे हमने लोटस का बीड वर्क किया हुआ है जो बहुत ही एलिगेंट और सुंदर है। तो ओवरऑल जो टोटल लुक है वो बहुत एलिगेंट, रिच बट सटल, और ख़ास करके लिए स्प्रिंग समर के लिए ही बनाया गया है, ख़ास करके लिए समर सीजन के लिए। आज हमने कुछ कलर्स आपको दिखाए जो इस स्प्रिंग समर 2011 में काफ़ी फैशनेबल माने जाएंगे। इन कलर्स के अलावा येल्लोस, सिट्रस कलर्स, इलेक्ट्रिक ब्लूज, कॉरल्स, ऑफ वाइट्स एंड बेज, मल्टी कलर्स विद ब्लैक्स भी फैशनेबल माने जाएंगे, खास करके स्प्रिंग समर 2011 के फैशन ट्रेंड रिपोर्ट्स में।